हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो जान पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार, MBA MMS CET 2023 के स्टूडेंट हो। तो जैसे कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन के ऊपर पता चल ही गया होगा कि दो दिन आपकी जो है रजिस्ट्रेशन डेट को और एक्सटेंड किया गया है, पर काफी स्टूडेंट का एक ही डाउट है कि सर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी क्या। सर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सर मेरी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में आओगे तो देखो सीटी सेल ने रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई अपडेट नहीं दी है। नोटिफिकेशन में आएंगे तो वही नोटिस नंबर 1 आया रजिस्ट्रेशन शेड्यूल के ऊपर। न्यूज़ में आएंगे तो न्यूज़ में वही रजिस्ट्रेशन को अभी जो एक्सटेंड किया वो आया है। डाउनलोड्स पे जाएंगे तो डाउनलोड्स में भी इन्फॉर्मेशन ब्रॉक्यू रिलीज कर दिए, और यूजर मैनुअल और सिलेबस और मार्किंग स्कीम जो कि बहुत पहले से आ चुकी है, यूजर मैनुअल अभी आई है और इन्फॉर्मेशन ब्रॉक्यू अभी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, सीटी सेल का भी काम पूरी तरीके से देख रहे हो, वेबसाइट को अच्छे तरीके से पूरा उन्होंने किया ही नहीं है डेवलप। तो मुझे लग रहा है यार सीटी सेल का काम इस वक्त अभी अच्छे से मतलब नहीं किया है पूरे तरीके से। तो हो सकता है हमको एक्सटेंशन देखने मिले, पर जब तक कोई प्रूफ ना मिल जाए भाई, जब तक कोई एग्जैक्टली हमको पता ना चल जाए, तब तक ये बात मानो मत। यही समझ के चलो कि लास्ट 15 डे, पर हाँ लग रहा है कि काम वाम रुका हुआ है, अभी अच्छे से काम होने रहा है। ठीक है, सीटी सेल जैसे ही 4 तारीख हुआ तो उन्होंने 2 दिन का एक्सटेंशन कर दिया। उनको देना ही था तो 2 दिन पहले भी दे सकते थे, पर उन्होंने जब लगा कि टाइम खत्म हो रहा है तो उन्होंने 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया है। तो यार जो भी होगा हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। वीडियो करता हूँ, थैंक यू।